हरे कृष्ण बच्चों, आज मैं फिर क्लास 10 यूनिट 2 बहुपद का अभी बेसिक फंडामेंटल क्लास ले रहा हूँ। एक वीडियो में पहले भी आपको दे चुका हूँ उसके ऊपर, आज मैं दूसरा वीडियो बेसिक फंडामेंटल के ऊपर, जो कि ये जो बेसिक फंडामेंटल अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि सेकंड चैप्टर में है क्या, उत्तर में क्या है। इसलिए मैं बेसिक फंडामेंटल के ऊपर ज्यादा जोर लगा रहा हूँ। तो इसमें आज हम ये क्या सीखने वाले हैं, बहुपद के संयोगों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ तो 2.1 क्या है, उसमें ऐसे कुछ आपको इस तरीके का कुछ ग्राफ नजर आएगा, कुछ लाइन आएंगी, है ना, उससे आपको शून्य को बताया। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, बताना तो आसान है कि वो शून्य कितना है, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं वो ग्राफ जा कैसे रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो आज मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ, राइट। तो आज हम क्या सीखने वाले, पहला पॉइंट यानी हम सीखने वाले y इक्वल टू 2x प्लस में 3, यानी मैंने इसको बताया कि क्या रैखिक समीकरण है। तो रैखिक क्यों क्यों बोलते हैं उसको, रैखिक का नाम कैसे पड़ा, रैखिक क्यों बोलते हैं, ये सीखेंगे। दूसरी बात, जब कार्तीय तल पे इसको स्थापित करेंगे ना, कार्तीय तल या आपका जो x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसको कार्तीय तल बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो कार्टेशियन प्लेन, इसको पर हम जब इस समीकरण को कैसे स्थापित करेंगे और इस समीकरण के माध्यम से हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम आज सीखने वाले, राइट। तो मैंने भी आपके पास एक टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेबल लिखा पड़ा है, यानी एक्स यानी ये जो टेबल यानी समीकरण को मैंने क्या इस टेबल में ले लिया। अच्छा, ये टेबल मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल है आपके पास एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पे है, एनसीईआरटी बुक में ही है, इसलिए मैंने वहीं से उठाया ताकि आप उस बुक को अच्छा बेसिक जो भूमिका के तौर पर लिखा हुआ है समझाने के लिए 2.1 में, वहां पे कुछ एग्जांपल्स, तो उसको बच्चों को पढ़ना चाहिए। कई बच्चे उसको पढ़ते नहीं, सीधा 2.1 पे आ गए, 2.3 पे आ गए, 2.4 पे आ गए। अरे भाई, उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके लिए काम करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, राइट। तो मैंने वहीं से टेबल उठाया है, पेज नंबर 25 पे। इस समीकरण को पहले हम क्या करें, यहाँ पे स्थापित करेंगे और यहाँ पे x इक्वल टू दिया है, यानी इस समीकरण में जब हम x की वैल्यू रखेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, है ना, उसकी x की वैल्यू रखने से यहाँ पे क्या आएगा वो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, यानी सॉल्यूशन करके इसको ना इसको थोड़ा हल करके बताता हूँ, फिर इसको कार्तीय तल पे स्थापित करके बताता हूँ, राइट। तो हमारे पास समीकरण क्या 2x प्लस में 3 दिया है, ठीक है। तो यदि मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू क्या रखा, माइनस में 2 रखा, एक्स इक्वल टू के यहाँ पे टेबल में रखा है ना माइनस 2, मैंने माइनस 2 रखा, माइनस 2 रखा। यहाँ पे देखो, कोई जरूरी है कि माइनस 2 रखना है, आप माइनस 1 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ये मैंने एक्चुअली टेबल पूरा एनसीईआरटी से उठाया, इसलिए मैं आपको ये वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ, ताकि आपके से जब आप उसे रीड करेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो, समझना आसान हो जाए, राइट। तो मैंने अभी क्या रखा, माइनस 2 रखा। तो x की जगह माइनस 2 रखने से इसका देखो सॉल्यूशन क्या लिखना, मैंने x की जगह क्या रख दिया, माइनस 2 रख दिया, इसके बीच आपको निशान तो बनाना चाहिए, 2 क्या हो गया, माइनस 2 4 प्लस कर दी, तो रिजल्ट क्या हो गया, माइनस 3। तो जब माइनस का 2 रख लिया तो रिजल्ट क्या रहा है, माइनस 3 का, ये टेबल ये कह रहा है, राइट। यदि हमने क्या रखा, हमने क्या किया, यदि x की वैल्यू क्या रखा, 2 रखा, तो क्या है, y की वैल्यू क्या है, देखो ये समीकरण है आपके पास ना, 2x प्लस में 3, तो मैंने यहाँ क्या रखा, 2 रख दिया यहाँ पे, तो 2 रखने से क्या आएगा, 4 प्लस में 3, 2 रखने से क्या आएगा, 7 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 रखा जा रहा है प्लस का, तो आंसर क्या रहा है, यानी जो y की वैल्यू क्या रही है, 7 आ रही है, राइट। तो अब क्या करेंगे, इस ये जो टेबल बना है इसको हम क्या करें, कार्तीय तल पे स्थापित करते हैं, और कार्तीय तल पे स्थापित करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि शून्य यानी ये रैखिक, यहाँ से हमें दोनों का आंसर निकल के आएगा, हम रैखिक क्यों बोलते हैं और उसका शून्य कैसे याद करते हैं। तो मैं इसको मैं टेबल पे स्थापित करके देखा, जब x की वैल्यू जब हमने 2 रखा था, तो आंसर तो y की वैल्यू यानी x की वैल्यू 2 रखा था, x का आपके पास सॉरी x की वैल्यू माइनस 2 रखा था, तो माइनस 2 यहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट क्या था, माइनस का ही। तो मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा इसके लिए ना, जब x की वैल्यू 2 था तो y की वैल्यू माइनस 1 आया, तो माइनस 1 के सामने इसके सामने आगे क्या करेंगे, याद देखो ये क्या है, कार्तीय तल है ना, ये x एक्सिस होता है और इधर प्लस का होता है, इधर क्या होता है, सारे माइनस होता है, ये क्या होता है, y एक्सिस होता है, राइट। तो ऊपर प्लस का देखो, तो आपको पता है, ये बेस छोटी छोटी क्लास में आपने सीखा है। तो ये मैंने रख दिया कि x बराबर जब माइनस का 2 था तो रिजल्ट माइनस 1 का, तो यहाँ पर डॉट कर गया हमारे पास, यानी माइनस 2 और माइनस 1 के, राइट। फिर क्या है, दूसरा क्या पॉइंट है, जब x की वैल्यू हमने 2 रखा, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू क्या, 7 निकल गया, तो एक डॉट आपका 2 रखने से 7 पे चले जाएंगे, अब यहाँ पे डॉट लग जाएगा 2 और 7 के, राइट। तो क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको, इन दोनों पॉइंटों को ना स्केल के माध्यम से, इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, स्केल के माध्यम से स्ट्रेट खींच लेंगे, दोनों पॉइंटों को टारगेट बनाएंगे, यानी ये टारगेट बनाया आपने, राइट। और आपने टारगेट बना के क्या किया, आपने क्या कर खींच लिया, राइट, एक लाइन खींच दिया, ठीक है। तो लाइन खींचने से देखो ये क्या आया, एक सीधी लाइन निकल गई, राइट, क्या निकल गई, सीधी लाइन निकल के आई आपके पास, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, राइट।
जब स्ट्रेट लाइन आपके पास ये निकल के आया तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इस समीकरण क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक, क्योंकि सीधा ना, रैखिक मतलब क्या, आपको स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका सॉल्यूशन इस ग्राफ ग्राफ पे क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। तो पहले पॉइंट समझ में आ गया। अब बात रही शून्यक का, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, जब ये जो लाइन जा रही है ग्राफ वाली लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे काटेगा वो उसको शून्यक को कहां काट रहा है, एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, यहां पे काट रहा है, यहां पे, राइट। जब एक्स एक्सिस को यहां पे काटेगा तो ये क्या है, देखो ये क्या है, एक्चुअल में जो बिल्कुल माइनस दो और माइनस एक के बीच का भाग है, बीच का भाग यानी दो और एक के बीच का तो डेढ़ आता है, माइनस का तीन बटा दो का भाग करोगे क्या 1.5 है, बात करें तो क्या माइनस का 1.5 है। अब सॉल्व करके भी देखो इस समीकरण को, अगर मैं सॉल्व करूं y इक्वल टू 2x प्लस में 3 तो ये क्या आ गया, देखो इसको अगर मैं इसको इस समीकरण को अगर किसी तरीके ग्राफ के तरफ ना, अब ऐसे तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको देखा जाए तो क्या कहते हैं इसे, वैसे सॉल्व करने के लिए दो समीकरण चाहिए, लेकिन ग्राफ पे हम इसे साफ साफ बता सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, जैसे मान लो y इक्वल टू 2x इक्वेशन है आपके पास, राइट, 2x 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0 रखो, यानी 2x इक्वल टू क्या हो गया, ये समीकरण है आपके पास, तो माइनस 3 इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 3 बटा 2, तो सॉल्यूशन क्या है, माइनस का 1.5। तो ये जो हम जो इस समीकरण को हल करने से आएगा वो जब हम ग्राफ पे सॉल्व करते तो वही हल यहाँ पे निकल कर आएगा। देखो यहाँ पे अगर आप हल नहीं भी कर रहे हो तो भी ग्राफ विधि से आप बता सकते हो कि जो इसका इसका सॉल्यूशन क्या है, माइनस का 3/2 है। तो बेसिकली क्या है कि हम इसमें ये समझने वाले हैं कि जब जब हम चाहे वो रैखिक समीकरण हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या द्विघात समीकरण हो, जब हम इसे कार्तीय तल पे स्थापित करेंगे तो कार्तीय तल पे जब ये ग्राफ वाली लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, यानी अभी एक बार कर रहा है तो इसका शून्य एक निकलने वाला है। अगर ये जो ग्राफ ये दो बार काटे कहीं पे जाकर तो हम क्या बोलेंगे, इसका शून्य क्या होगा, दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्या करेगा, दो बार काटेगा, है ना। तो हम अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, अभी मैंने इस बेसिक फंडामेंटल सिखाया है कि जो रैखिक समीकरण है वो ग्राफ पे कैसे स्थापित होते, रैखिक क्यों बोलते हैं और कैसे हम इसको शून्य ज्ञात करते हैं। अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा कि जो द्विघात समीकरण उसको ग्राफिक विधि कहें, ज्यामिति उसका अर्थ कैसे, ग्राफ की जरूरत तो किस तरीके से वो शून्य हमें देता है, तो सेकंड क्लास सीखेंगे। फिर हमारा 2.1 सीखना क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, अगर ये समझ में आएगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, राइट, थैंक यू।